डैम की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से दो मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीवर में फंसे से एक मजदूर की मौत। Did you know 300 of these men or boys died? Workers died while cleaning a septic tank in South Delhi. भारत में इस साल जुलाई 2020 तक 90 मैला ढोने वालों की मौत हो गई और हर 5 दिन में एक सफाई कर्मी की मौत हो जाना यहाँ कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है। ये गरीब मैला ढोने वाले दलित जात के लोग हैं और यकीन मानिए सरकार के लिए भी ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। मैं एक अच्छे स्कूल में गया, इन सफाई करने वालों को देखकर दूर हो जाता था, तो आज मैं क्यों इनके बीच मैले में घुस रहा हूँ? क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि ये लोग भी मुद्दा हैं और ये मुद्दे से ज्यादा बड़ा सवाल है कि क्यों इन पर कोई बात नहीं करता, क्यों इनकी कोई आवाज नहीं उठाता। हर साल भारत 6.25 करोड़ टन ठोस कचरा पैदा करता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड माने CPCB के मुताबिक इस कचरे में 7.9 मिलियन टन कचरा पर्यावरण के लिए खतरनाक की श्रेणी में आता है। इसमें से 5.6 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा और 1.5 मिलियन टन ई वेस्ट भी शामिल है। कचरा पैदा करने के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है और ये शहर करीब 3.3 मिलियन टन कचरा पैदा कर रहा है। इसके बाद मुंबई 2.7 मिलियन टन और चेन्नई 1.6 मिलियन टन के साथ तीसरे नंबर पर है। गरीब और मध्य वर्ग का हर व्यक्ति प्रतिदिन 250 ग्राम के आसपास कचरा पैदा करता है, जबकि अमीर परिवारों में प्रति व्यक्ति हर दिन 700 ग्राम तक कचरा पैदा होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आवाज। हमारा शहर कौन साफ करता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे और बहुत कम लोग इसके बारे में बात भी करते होंगे, लेकिन हमेशा की तरह आवाज की टीम ने हर वो मुमकिन कोशिश की है उनकी आवाज़ उठाने की जिनकी जिंदगियां इस शहर को साफ करते हुए गटर में चली गईं, गटर में जाकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। उन्हीं की आवाज़ उठाने के लिए आज आवाज़ की टीम ने हर मुमकिन कोशिश की, हर पड़ताल की और इस पर गहन जानकारियाँ इकट्ठी की। हमारे देश में आज भी ऐसी क्या कमी है कि सफाई करते वक्त किसी की जान चली जाती है? स्वच्छता के नाम पर साफ सुथरी जगहों पर महज फोटो भर खिंचवा लेने से हमें सोशल मीडिया से लेकर टीवी की दुनिया तक प्रचार के अलावा क्या मिला? ये मिला कि आज भी सीवर में सफाई करते वक्त होने वाली मौतों का सिलसिला थमा नहीं। तो वाकई क्या ये इतना कठिन था? इस सब को जानने के लिए मैं सीधे पहुंच गया नोएडा के एक खुले नाले में, जहां मैंने अपना फेवरेट बरमूडा पहना, फेवरेट शर्ट पहनी और सीधे ओपन नाले में उतर गया। रखो, रखो यार, रखो यार, ये ईट बताना कहां पर है? यही आएगी, यही रखी मेरे पैर पे है। रखो, नहीं यार, यहां रखो, यहां पे यहां रखो, यहां कैसे मतलब रोजाना इसी तरह हमें रोजाना करते हैं जी। अच्छा, तो बेटा सवाल है क्या करें, काम धंधे है नहीं, इसमें लग रहे 8-10 साल से। घर पे सबको पता है कि आप ये काम करते हैं? हाँ, यही करते हैं सर। कितने सालों से करते हैं? 8-10 साल हो गए। 8-10 साल? कितने बजे सुबह निकल आते हैं आप काम के लिए? 6 बजे। अच्छा, रोजाना इसी तरह निकलते हैं और शाम को घर जाते हैं? गंदगी जो है, लोगों को बदबू आती है, स्मेल आपको नहीं आती, फील नहीं होती? खुले नाले में पहली बार चाय का एक्सपीरियंस ले रहा था, पहली बार चाय पी रहा था। चाय का स्वाद तो वही था, लेकिन महक ऐसी थी कि अगर थोड़ी देर और खड़ा रहता तो शायद वॉमिट हो जाती, लेकिन सुनील को इससे कोई परेशानी नहीं थी। बच्चों के लिए कुछ सोचा आगे? बच्चों के लिए कुछ नहीं होते सर, इस काम में बच्चों को पालने। बीवी कहाँ? घर पे? हाँ, बच्चे भी करते थोड़ा बहुत। कहाँ? यही है, कहाँ यही है कि बाहर कहीं है? बाहर कहीं, बाहर है। बीवी की याद नहीं आती? आती है जी, तो क्यों करें, परदेश में पड़े हैं, जाएंगे तो काम भी छूट जाएगा। होली दिवाली आते होंगे घर? हाँ, बस। तो क्या खराब लगता है काम करना कि अच्छा? क्या लगता है काम तो खराब ही लगा है, क्या करें, बच्चे पालने का, बच्चे पालने हैं, अब ये भी ना करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे हमारे? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो बच्चे पलने हैं, अब ये छोड़ दो, काम धंधा है भी नहीं,
असर को लिखे पढ़े नहीं हैं, यहाँ ही पढ़े लिखे होते तो कहीं ड्यूटी भी कर लें। तो यहाँ पर आकर एक चीज़ समझ में आई कि मेरे लिए जो लाइफ टाइम का मेरा सबसे ग्रेट एक्सपीरियंस था, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, जो सबसे अलग था और अनोखा था, वही मेरे साथ जो एक और आदमी मौजूद था उसके लिए वो शर्मनाक था, जो कि मेरे लिए एक मेरी रिपोर्टिंग को आप देख लें कुछ भी कर लें तो उसके लिए वो एक ग्रेट एक्सपीरियंस था, ग्रेट था सबसे, और वहीं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक था। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे पहुँचा एक ऐसे लड़के से मिलने जो कई सालों से यही काम कर रहा था, और इस काम को करते वक्त वो काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता था, और इसके पीछे वो सबसे बड़ा कारण अपनी जात को बताता था। इतना मुश्किल होता है, मतलब आप लोग उतरते हैं नीचे, कई डेथ भी हो जाती है इसमें, कई बार देखा गया। सर जी डेथ तो हो जाती हैं, दिल्ली में भी डेथ हुई हुई हैं काफ़ी, पर इतना है कि जिस सीवर में गैस होती है ना, हम उसको पहले तो उसको खोल कर रखते हैं आधे घंटे तक, उसके बाद में बंदा उतारते हैं। आम लोगों को इतनी बदबू आती है, फील होता है, आपको क्या होता है? हाँ जी सर, एक बार देखो मुझे भी गैस लगी थी, मैं क्यों झूठ बोलूं? तीन प्रकार की गैस होती है इसमें, एक गैस होती है जो आंखों पर झड़ मारती है, आँख एकदम लाल हो जाती हैं। दूसरी गैस होती है वो सबसे ख़तरनाक होती है, वो मीठी गैस होती है जो होठों को पकड़ती है, तो आदमी अंदर काम करता होता तो उसे महसूस होता है कि अंदर मीठापन लग रहा, काम करता रहता है, पर वो एक साथ ही आदमी को तोड़ देती है, वो गैस मीठी वाली सबसे ख़तरनाक होती है। जब शादी वादी हो जाती है आपकी, फिर आपने बच्चों के लिए क्या सोचा? सर बच्चों के लिए हम ये सोचते हैं कि ये काम नहीं करें तो बहुत ही अच्छा है जो हम लोग कर रहे हैं, चूँकि साहब ये साहब अच्छा तो काम है नहीं है, पर पेट के लिए बच्चों को पालने के लिए तो काम करना ही पड़ता है। ये काम करते हो तो समाज में निकलते हो तो कभी हानि महसूस होती है ग्लानी से कि यार ये गलत काम? गलत काम तो है पर शर्म भी बहुत महसूस होती है, चूँकि हम अच्छे एरिया में भी काम करते हैं और सुटाइसी एरिया में भी काम करते हैं, आदमी पूरा पूरा सन जाता है जब सिविल लाइन में जाता है, खींच पीच में लैटिंग फैटिंग में सब में जाता है सन, फिर भी सर अपना पेट पालने के लिए सर दो पैसा मिलता तो आदमी काम करता ही है। काम करते हैं, इसमें आपको लगता है बिरादरी वाद भी कुछ होता है, जात पात भी कुछ होता है? हाँ जी सर देखो जात भी होती है, लोग बार अच्छा आदमी तो कोई ये काम करेगा नहीं, गरीब आदमी ये काम करता है, जात में बोलो तो वाल्मीकि लोग ये काम कर रहे हैं सर। गरीबी का एंगल, जात का एंगल और तमाम कई एंगल, इसको और करीब से जानने के लिए हमने सोचा हम क्यों ना किसी ऐसे आदमी से जानकारी इकट्ठा करें जो इसके बारे में हमको बेहतर बता सकता हो, इसलिए हम पहुंच गए सीधे बेजवाड़ा विल्सन के पास। अगर कोई प्रधानमंत्री ये जात से हो जाए तो 15 मिनट के अंदर सारे खत्म हो जाएगा। ये एक सीवर पाइप है जो अभी लगा नहीं है, जो अभी बाहर रखा हुआ है, सड़क पर है, आपको बता दें ऐसा कुछ होता है माहौल। ये बताइए बेजवाड़ा जी कि अभी तक आपके पास टीवी इंडिया के स्टूडियो में बेजवाड़ा विल्सन, बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया विल्सन जी हमारे जुड़ने का, थैंक यू। This is and you are a terrorist and you are a deshdrohi. This is the country. We want to such kind of a society where there is no discrimination. No women will be cleaning the shit of the somebody else. I am a principal correspondent with Newsworld India and we are making a program on the lives of men. सुप्रीम कोर्ट से लेके गवर्नमेंट्स जो हैं कई बार कहते हैं कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको बैन कर दिया गया है, मैला प्रथा जो है वो बैन है देश में, लेकिन कई बार अपने दूसरे डायलॉग में वो लोग ये बताते हैं कि इसके प्रिकॉशंस क्या हैं इससे बचने के, कि हमने ग्लव्स की सप्लाई की, हमने मशीनरी दी, कई बार बताते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? नो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये मैला प्रथा मतलब ये बैन किया था वो ड्राई लेटिन का साफ करने के काम, दूसरा है वो सीवेज सेप्टिक टैंक का फेस्ट मैनर इसका अंदर कानून का अंदर लेके आ रहे हैं। सो अगर इसका अंदर वो आए तो आने के तक वो समय तक थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूरत है, बट ड्राई लेटिन का साफ करने का काम अभी चल रहा है, इसका तो कोई प्रिकॉशंस का लेना कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल कितने टॉयलेट है इसका सारे ध्वंस करना, नया टॉयलेट बनाना, टॉयलेट का साफ करने वाला का पुनर्वास देना, सिंपल बात है। सरकारी कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कानून पे कोई कॉम्प्लेक्स इतने जरूरी कुछ नहीं है, वो तो कानून लागू करे तो बराबर है, सरकार का बिल्कुल ये कानून ने लागू करना तैयार नहीं है, ये समस्या है। कराते हैं कि इतने 100 की डेथ हो जाती है पर ईयर मैनहोल स्कैवेंजिंग में, अंदर जाके मैनहोल में जो लोग काम करते हैं उनकी गैस की वजह से, बाकी तमाम चीज़ें हैं,
इन पर सरकार क्या कर रही है, कुछ काम करती है जमीन पर कि क्या है सर? नो, सरकार का सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, ऐसा लोग कितने लोग मर चुका ये देश पे सर्वे करके बताने के लिए, बट सरकार आज तक कोई सरकार ने तैयारी नहीं, वो केंद्र सरकार होगा राज्य सरकार होगा, कोई राज्य तैयार नहीं। हम डेटा दिए तो डेटा से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, इतने संख्या का है और कम हो सकती, बट सर्वे तो आज तक कोई नहीं किया। बट कोई इंसान गटर का अंदर अगर मर जाए तो इसका डाटा कलेक्ट करना सरकार का जिम्मेदारी है, ये काम वो लोग नहीं कर रहे। सर, कास्ट कितना इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस काम को लेकर सर? नो, इंडिया पे सैनिटेशन मतलब ही एक कास्ट रिलेटेड वर्क है, इस पर कोई फिर शक नहीं है, फिर इसका चर्चा करना कोई जरूरी नहीं, इट इज एब्सोल्युटली पक्का, सबका जानते हैं कौन ये क्या काम करते हैं ये देश का अंदर। ये जाति, ये देश अभी भी जाति प्रथा से बाहर निकालना अभी भी कोशिश नहीं किया। सैनिटेशन का काम का कोई भी स्वच्छकार का कोई काम का और जाति का दोनों का एक लिंक है, मतलब अगर आप ये जाति पे पैदा हुए तो यही काम करना पड़ते हैं मेजॉरिटी। ये काम करने वाला कितने लोग है यही जाति बिलोंग करते हैं, ये तोड़ने के तोड़ना बिल्कुल तोड़ना तोड़ने के आज तक कोई कॉन्क्रीट स्टेप ने कोई सरकार नहीं ले रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है इसका साथ ही पितृसत्ता भी है, कहाँ पैसा कम मिलते हैं वहाँ महिला सफाई कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, कहाँ ज़्यादा पैसा मिलते हैं थोड़ा पुरुष हो जाते हैं, मतलब इस पर क्लास है, इसका कास्ट है, इसका जेंडर है, सारे चीज़ इसी का अंदर है। मिस्टर बेजवाड़ा विल्सन की कास्ट को लेकर कही गई बातों के बाद हमने कोशिश की उस हायरार्की को समझने की। तो इस जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, और दलित कहाँ हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ये इस सैनिटेशन की आप काम कर रहे हैं, इसमें इलिटरेसी या फिर गरीबी ये चीज़ें मैटर नहीं करती सर? नो, अगर गरीबी है तो ये देश के अंदर कम से कम 40% गरीबी हैं अभी भी, प्लानिंग कमीशन का डाटा छोड़ो, 40% बिल्कुल है, बट सारे गरीबी ये काम पे नहीं आएगा। हमारा का मोर देन 50% सच पे अनएजुकेटेड है, कोई नाम लिखे तो वो बोलते वो भी लिटरेट है, ऐसा नहीं, एजुकेशन अनएजुकेशन दोनों लिए तो हम लोग ऐसा 50% तक आते हैं, बट 50% ये काम पे नहीं होते हैं, ये काम पे वही परसेंटेज कितने हैं वही होते हैं। सो सबका जानते हैं, हम लोग झूठ बोलकर हम लोग जानबूझकर ऐसे ही कुछ करना, इसी वजह से क्या होता है और दुर्भर बर्बाद हो जाते हैं जीवन सबका। समाज सारे हमारा निर्माण एक पितृसत्ता समाज है, हमारे समाज का निर्माण है ये सारे, कैसे हम लोग निर्मित किया ये तो बिल्कुल जाति आधारित है, ये तोड़ने के काम है, कौन इसका निर्माण किया उन्हीं का है। वी हैव फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, वी हैव वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, बट सीवर वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझको सबसे पहले यही दिखता है। तो सर ये चीज़ कैसे आती है, ये चीज़ आपको कैसे आपको आया कि इनकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इनकी सर कहीं बात ही नहीं होती है? नो, कोई कुछ भी नहीं बात कर रहा है, इसलिए हमने छोटा कदम उठाया, बट ये इतने बड़ा हो जाएगा हमने कभी नहीं सोचा। मैन होल के अंदर जाकर लोगों की डेथ हो जाती है गैस को लेकर, ये कोई इस साल का या एक दो साल की बात नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है, कई बार हेडलाइंस आती हैं, न्यूज़ हेडलाइंस आती हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स बनती हैं। जब इतना कुछ है और ये डायरेक्टली मानवाधिकार का उल्लंघन ही है, तो ये चीज़ इस पर बात क्यों नहीं होती सर, ऊपर बात क्यों नहीं होती, गवर्नमेंट इसमें चेंजेस क्यों नहीं डेवलप करती जो एग्जैक्टली जो जमीन पर दिखे? मरने वाला कोई उनका जाति ना है नहीं, अगर प्रधानमंत्री का जाति कोई मर जाए तो प्रधानमंत्री का बहुत उनका खून सारे वो गर्म हो जाते हैं, मेरा खून ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है वैसा बोलेगा, बट कोई सफाई कर्मचारी मर जाए तो कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे चुपचाप आराम से वो सोचते कुछ नहीं हो रहा है क्यों है, तो ये उनका माइंडसेट है, पर्टिकुलरली चीफ मिनिस्टर सब प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका दिमाग है वो जाति आधारित दिमाग। सर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोअर कास्ट, सर आवर प्रेसिडेंट इज आल्सो बिलोंग फ्रॉम अ लोअर कास्ट फैमिली, उनका पास कोई पावर नहीं है, पावर उनका पास पावर नहीं है, वो उनका पार्टी क्या बोले तो वो करते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री ये जात से हो जाए तो 15 मिनट के अंदर सारे खत्म हो जाएगा। मैं बता रहा है कोई भी सबका साथ सबका सब सब बोल रहा है ये बहुत खतरनाक बात है,
क्यों है तो ये देश अभी सम्मान का देश नहीं है, इधर असमानता है। कहा असमानता है वहां आप बताना पड़ता है असमानता पे कौन अभी जिंदा है, उनका हम लोग आगे लेके आना मेरा नीति है। सबका साथ है, आप अदानी अंबानी के साथ आप क्यों जाना? बदलाव में क्या किया जाए कि जिससे ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले, सबकी जो लाइफ को इफेक्ट करे। कितने टॉयलेट से सारे इमीडिएट ध्वंस होना चाहिए, कितने है इसका पहचान करना, सबका पुनर्वास का योजना बनाना, स्पेशल पैकेज लेके आना, लोन किसी का जरूरी नहीं है सरकार का, इसका मुफ्त देना पड़ता है, कॉम्पेंसेशन जैसा देना। हमने इतने साल उनका जीवन बर्बाद किया इसलिए उनका हम लोग ये पैसा दे रहा है, ऐसा बोल के एक निधि सबका मिलने की एक व्यवस्था बनाना, ड्रेनेज सिस्टम है इसका मैकेनाइज करना सारे, सैनिटेशन कितने है इसका, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे है, ऐसा हमारा सीवर पाइप्स होगा, हमारा कुछ साफ करने के साधन होगा, सारे हम लोग ये सिलसिला में जाना। सो लोग का इज्जत से जीने के, गरिमा से जीने के एक रास्ता बना के हम आगे जाए। जिनकी डेथ्स हो जाती हैं मैनहोल के अंदर, जिन सीओज वर्कर्स की, उनकी फैमिलीज जो हैं उनका ख्याल रखती है गवर्नमेंट आगे, उनकी फैमिलीज को कौन देखता है? क्योंकि वो नहीं पता नहीं है तो वो पहचान ही नहीं कर रहे कितने लोग मरा, उनका परिवार तक क्यों जाते हैं हम लोग? उनका पहचान करके पहले पहचान करने वाला का 10 लाख रुपया मुआवजा देना सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये पहचान नहीं कर रहा है। अभी मुआवजा पहुंच रहा है, मुआवजा है कुछ कई जगह देते हैं बट मेजॉरिटी जगह नहीं देते हैं, इसका भी लड़ना पड़ता है। मिस्टर बेजवाड़ा विल्सन से मिलने के बाद जब हम दिल्ली से वापस अपने ऑफिस नोएडा की तरफ बढ़े तो हमें रास्ते में वही सीवर पाइप मिला जिसको जमीन के अंदर जाकर तमाम जिंदगियां उसमें मौत की नींद सो गईं। तो हमें वही आदमी मिला जितेंद्र, जो किस तरह इसी सीवर पाइप में जो जमीन के अंदर मौजूद थे उनके अंदर जाकर अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा था। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने घर का पेट पालना था, इसलिए क्योंकि वो गरीबी में पैदा हुआ था। ये उसकी गलती नहीं, उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र। जितेंद्र भैया कब से आप ये काम कर रहे हैं? मेरे को यहाँ 8 साल हो गए काम करते हुए। 8 साल हो गई। पढ़ाई लिखाई की थी आपने? जी। फिर पढ़ाई लिखाई के बाद इस काम में कैसे आना? जब कहीं काम नहीं मिल रहा तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो आप पढ़ाई करी, फिर कहीं नौकरी नहीं मिली इस वजह से आप इधर आना? मिली, वहाँ पे काम छूट गया लॉकडाउन की वजह से, फिर यहाँ आना पड़ा। उससे पहले कर रहे थे हम ठीक यहीं पे करा, फिर हमने उससे पहले मेरठ करा था, मेरठ से यहाँ आ गए। घर में शादी हो गई आपकी? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं। काम को लेके कभी कुछ महसूस होता है कि नहीं यार ये काम नहीं, दूसरा कुछ काम कर सकते थे? नहीं देखो, महसूस तो होता है, वो तो बात है, आप सही है कि महसूस होता है, लेकिन क्या करें, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये सरकार ये तो है ना कि भाई कहीं और कर ले जाके, या और कहीं मिल रहा है काम हमें, जहाँ मिल रहा है जहाँ से हमारी रोजी रोटी चल रही है वहीं तो करेंगे जाके। तो क्योंकि हम लोग सीवर विभाग में काम नहीं करते हैं और ये मुश्किल था और नामुमकिन सा था कि हमको इसकी अनुमति मिल सके कि हम सीवर के अंदर जाके कि किस तरह से काम होता है उसको हम दिखा सकें, लेकिन ये एक सीवर पाइप है जो अभी लगा नहीं है, जो अभी बाहर रखा हुआ है, सड़क पर है। आपको बता दें ऐसा कुछ होता है माहौल जहाँ से पानी पूरा ओवरफ्लो हो रहा होता है, पूरा मैला होता है, गंदगी होती है, हर चीज़ इसी के अंदर ओवरफ्लो हो रही होती है, और सीवर के अंदर जाके इतने बड़ी जगह पर, इतनी छोटी सी जिसमें इंसान ठीक से बैंड भी ना हो पाए, वहाँ पर जाकर सीवर वाले काम करते हैं। किस तरह से काम करते होंगे, कैसे अंदर आते होंगे, पानी यहाँ तक भर जाता है उसमें आकर सीवर वाले किस तरह से, आपको बता दें कि कैसे काम करना कितना मुश्किल है यहाँ ये काम होता है। तमाम मालूमात इकट्ठे करते वक्त हमें एक ऐसी कहानी मिली जो आपको दर्द की सीमाओं से चीरते हुए एक अलग मुल्क में जाकर जगह देगी जहाँ सिर्फ दर्द है, किल्लतें हैं, और सिर्फ वो औरतें हैं, वो बच्चे हैं, वो नौजवान हैं जो कि अपने हवास खो चुके हैं। पहले देखा तो अंधेरों को दिखा नहीं, फिर भी झाग से मालूम पड़ रहे थे बबूला सूट रहे थे, और उसके बाद मैंने फिर जूते पहचाने, जूतों पे निगाह गई थी तो मैं हाथ चिल्ला के रोने लगी, मैंने मेरे पति गिर गए इसमें नहीं। 37 वर्षीय अनिल कुमार की 20 फीट गहरे सेप्टिक टैंक को खोलने की कोशिश करते वक्त मौत हो गई थी। अनिल दिल्ली के द्वारका इलाके के डाबरी गांव का रहने वाला था। अनिल ने हेलमेट और सेफ्टी गियर नहीं पहन रखा था।
अनिल की मौत सिर में चोट लगने से हुई। अनिल परिवार में अकेला कमाने वाला था। परिवार में उसकी पत्नी रानी के अलावा 3 नाबालिग बच्चे हैं। अनिल घर के पास ही सेप्टिक टैंक को खोलने के लिए गया था, लेकिन कभी वापस घर नहीं लौटा। स्वच्छता अभियान को लेकर चलाए गए टावरिंग अभियानों से ये शहर तो कुछ साफ हुआ होगा, लेकिन इसके चलते कितनी जिंदगियां साफ हो गईं, इन पर तो कोई बात ही नहीं की गई। इनका तो ना किसी ने संज्ञान लिया, ना इस पर किसी ने कुछ इल्म की बात की। लेकिन हमेशा की तरह आवाज़ की टीम ने हर वो मुमकिन कोशिश की जो हम कर सकते थे, हर वो बात की जो की जा सकती थी। आवाज़ की टीम ने एक बार फिर अपने हिस्से की क्षमा जलाने की कोशिश की है। हम लगातार इसी तरह, सरकार की अगर ज़िद है तो उसके आगे हम खड़े रहेंगे, अगर सिस्टम की ज़िद है तो उसके आगे हम खड़े रहेंगे। हर उन भट्टियों के ख़िलाफ़ जो ज़िंदगियों को निगलने का काम करती हैं, हर उन भट्टियों को हम बंद करवाने का इसी तरह काम करते रहेंगे।